आप जहाँ कहीं रहें, जिस शहर में रहें, जिस गांव में रहें, जिस गली में रहें, जिस शहर में रहें, जिस गली में रहें, जिस मोहल्ले में रहें, तो आप सबको बहुत बहुत आप जुम्मा मुबारक, और आप सब खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं खाने लगी, जैसा कि नज़र आ रहा है, मैंने सालन बनाया था आलू गाजर मटर का, तो ये सब्जी में सब्जियाँ बच गई थी, तो मैंने सोचा कि इसका पराठा बना लूँ, तो मैंने कूट लिया। तो अब मेरे पराठे में इसको डाल रही हूँ, तो आप देखें मैं कैसे पराठा बनाऊंगी इसको। हम इसका अच्छी तरह इसको हम डाल लेंगे। मैं ज़रा ज़्यादा खाती हूँ, ज़्यादा खाती नहीं हूँ, ज़्यादा सालन वाला खाती हूँ, सालन ज़्यादा खाती हूँ, तो ये हम लोग पराठा बना हुआ ही पका रहे हैं। तो ये देखें, तो ये हम लोग भरा हुआ ही पकाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग देखिए आलू गाजर और सब्जी का पराठा बना। वालेकुम अस्सलाम। तो यार मेरे व्यूअर्स, ये देखें आलू गाजर और ये सब्जी का पराठा बन रहा है, तो आप इससे खूब इंजॉय करेंगे। ये देखें, दो इसको परत दिया, और ये चम्मिसा हमारा हो गया पराठा तैयार। ये तैयार तो खाने हुआ अभी, हम देखते रहिए। तो थोड़ा सा बाहर ही निकला है तो कोई बात नहीं, बाहर निकला है। मेरे पास तो डेली वो बना रही हूँ, कुकिंग चैनल तो है नहीं, ब्लॉग है। तो ये देखें, ठीक है, अब ये इसको अच्छी तरह फैला के और फिर आपको दिखाएंगे किस तरह हमने इसको बनाया। देखिए यम्मी सा पराठा हो गया है तैयार। और ये देखिए इसको यूँ करके मैंने डाला तवे पे घी उछल के मेरे पड़ गया लगा था। क्या व्यूअर्स नहीं करें, व्यूअर्स को देखने दे, क्या पता व्यूअर्स ये समझे कि हमारा पराठा फूट फूट गया है, तो इस वजह से दिखाया नहीं। अगर टूट फूट भी गया तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बनेगा वैसा ही मैं आपको बताऊंगी कि पराठा मेरा कैसा बना है। तो इंशाल्लाह अगर टूट फूट गया तो टूट फूट भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बार दफ़ा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो हम अच्छी तरह देखेंगे, पक गई एक साइड, दूसरी साइड पराठे गिर जाएंगे। ये देखें क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान, देखें क्या प्यारी लुक आई है पराठे की। तो ये देखें, अब ये देखें इसको हम थोड़ा सा सेक लग के फिर एक तरफ से पका लेंगे। बस ये ज़रा इस वजह से पलट लिए जल्दी, ताकि ये कड़क बन जाए, और अच्छा लगता है कड़क सा, एक तरफ से अच्छी तरह पक जाएगा। तो दूसरी साइड से भी आपको दिखाएंगे कि किस कदर ये स्पाइसी बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मैंने कहा आपको आज ये बता दूं, जो सब्ज़ी वगैरह हमारी बच जाए तो हम ये पराठों में भर लिया करें हम वो, और उसको ज़ाया होने से बचाएं। और फिर ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, और सब्ज़ी भी एक मटर उछल के बाहर भी निकला है, कोई बात नहीं, यूँ यूँ दबा देंगे यूँ यूँ करके, कोई बात नहीं, तो ऐसा तो होता रहता है। अब मैं अपने, ये देखें कितना प्यारा पराठा बन गया है। तो यकीनन आपको अच्छा लगा होगा, आलू गाजर और मटर और मिक्स सब्जी का पराठा। तो आप मेरे ना मेरे साथ साथ अभी हम आपको दिखाएंगे कि मेरी जो छोटी बिल्लो है उसकी बर्थडे थी, तो उसकी फूफो ने उसको गिफ्ट दिया है, वो भी हम देखेंगे, और डिनर भी किया है, वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो आपने रहना मेरे साथ साथ और वीडियो को फुल एंजॉय करना है। पद्मा क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? जेल में जा रही हूँ। क्यों? इधर मुँह करके बोलो ना, करूँ करके बोलो। इधर मुँह करके बोले, इधर मुँह करके बोले। स्कूल जा रही हो? ये दुपट्टा निकाले मुँह से। और बताएं, आपको स्कूल जाना है क्या? आज स्कूल की छुट्टी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? कितने साल की हैं? 3 साल। 3 साल की हैं आप? नहीं, आप 3 साल की तो नहीं हैं, 2 साल की हैं आप तो। मैं 2 साल। 2.5 साल की हैं? ढाई साल। इतनी बातें क्यों करती हूँ? इतनी बातें किसने सिखाई हैं आपको? अल्लाह ने सिखाई हैं इतनी बातें। ये देखें, ये मैं मिशाल फातिमा के लिए बर्थडे थी, तो मैं गिफ्ट लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे निचू। चलो खोलो, खोलो।
भाई ये मिशाल फातिमा के लिए जो है उसकी फुपो गिफ्ट लेकर आई है। खोलो भी मिशाल, खोल दे, बस छोड़ दो ना, उसको खोलने दो, उसको खोलने दो, दिखाओ भाई आके। भाई मिशाल फातिमा कैसी, खुश है? अच्छा, कैसा लगा गिफ्ट, कैसा लगा? वाह भाई, बच्चे भाई पारी तो दो फिर, पारी तो पानी दो, अच्छा लगा। टेडी बेयर को भी पारी दो, वो देखो उसने टाई पहनी नहीं। वाह बहुत प्यारा टेडी बेयर है भाई मिशाल फातिमा का तो। मामा खाना ले लो, भूख लग रही है तेरे, बड़े 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 भूखी लगी रहती है। तो क्या भूख लगती है, इंसान को खाना ले रहा तो तू दो बजे आके दो परोठे खा देने आलू वाले। वो क्या हो गया, बोलो, दो परोठे तो खाता हूँ मैं बस। नीचे करो शाल, क्या वैसे चिकन की कढ़ाई, अस्सलाम वालेकुम जी। बिलो व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बाज़ार आए थे और ये देखिए आज हम बिरयानी खा रहे हैं, ये पुलाव खा रहे हैं डॉक्टर साहब और याशा। ये डस्का फैमिली हॉल, ये कराची नसीब बिरयानी, ये देखिए।